जौनसार बाबर के कनासर रेंज से देवदार की लकड़ी तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है। चकराता वन प्रभाग की रिवर रेंज डाक पत्थर की टीम ने कनासर रेंज मिनस बुलाड़ मोटरमार्ग से एक वाहन को 35 नग देवदार के साथ पकड़ा। रिवर रेंज अधिकारी डाक पत्थर अनिल कुमार भट्ट ने बताया कि गठित टीम द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मिनस बुलाड़ मोटरमार्ग पर हिमाचल नंबर के एक वाहन को काफ़ी पीछा करने के बाद पकड़ा गया। चालक वाहन को एक गधेरे में फंसने के कारण रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गया। तलाशी लेने पर वाहन में 35 नग देवदार लकड़ी के बरामद हुए। गश्ती टीम द्वारा 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को रात्रि में पकड़कर रेंज परिसर डाक पत्थर में लाया गया। वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 41, 42 व 52 के तहत अपराध जारी करते हुए वाहन को कार्यालय में लाकर सीज कर दिया गया है। गश्ती दल में वन दरोगा सीना सिंह तोमर, देवेंद्र कुमार मिश्रा, वन दरोगा प्रदीप सक्सेना, कृष्णदत्त मामगई, किशन सिंह नेगी, सरिता आर्य, सुधा, वाहन चालक तरुण शर्मा, केश राणा आदि मौजूद रहे। जब हमारी टीम गश्त कर रही थी मेनस की रोड की तरफ, तो बुलाड़ रोड से ये ट्रक जो है तेजी से भागता हुआ गया और स्टाफ के द्वारा इसका पीछा किया गया, तो उसने बहुत ही मतलब खराब साइड पर जो है गाड़ी को रोक करके चालक फरार हो गया और इसको बड़ी मशक्कत के बाद लगभग स्टाफ के द्वारा 22 घंटे की मशक्कत के बाद इस ट्रक को हम लोग उस स्थान से निकालने में कामयाब हुए। इसमें 35 नग देवदार के स्लीपर्स हैं जो जिनकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख से लगभग ऊपर है और अभी इसका मेजरमेंट करके इसके वास्तविक आयतन का हम लोग पता करेंगे। मेरी टीम के द्वारा जिसमें देवेंद्र कुमार मिश्रा बंदरोगा, सिन्हा सिंह तोमर बंदरोगा, तरुण शर्मा वाहन चालक, श्री किशन नेगी वन बीट अधिकारी और अन्य जो मेरे साथी थे, मैं इन सबको एक बार पुनः इस सफलता पर बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन इसी प्रकार से करते रहेंगे और जो ये माफिया हैं लकड़ी की, ये हतोत्साहित हों और इनके खिलाफ लगातार हम कार्रवाई करते रहेंगे। ये बुलाड़ रोड से मेनस की ओर जा रही थी और निश्चित रूप से ये जो जैसा लग रहा था कि इसका मंतव्य कि ये हिमाचल की ओर जा रहा था और इस बीच इसको जैसे ही इसको पता लगा कि पीछे किया जा रहा है तो इसने खड्ड साइड में गाड़ी कच्ची सड़क में डाल दी और उसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद हम लोग इसको यहाँ पर लाने में कामयाब हुए हैं। इसमें धारा 41, 42 और 52 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत कर लिया गया है और फिर इसमें संबंधित बंदरों के द्वारा जाँच की जाएगी। जाँच करने के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उत्तराखंड YouTube चैनल से जुड़ी सभी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।